अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। तो आज है हमारा ईद का दूसरा दिन और पाकिस्तान में है ईद का पहला दिन। तो मैं जा रहा हूँ एक कंट्री में ईद मनाने के लिए। आप सब लोग गेस करें कि मैं कौन सी कंट्री जा रहा हूँ ईद मनाने। तो साथ साथ रहिएगा, आपको दिखाते रहेंगे। मुझे छोड़ने जा रहा है अबू बकर और एक दोस्त है मेरा, वो आदल, वो मुझे छोड़ने जा रहा है। और मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपने गैस करना है कि मैं कौन सी कंट्री जा रहा हूँ ईद मनाने के लिए। तो बड़ा ना मज़े का व्लॉग होने वाला है इसमें। आप कह लें कि ईद का पहला दिन अबू धाबी में गुजारा है, ईद का दूसरा दिन आप देखें मैं किधर गुजारता हूँ। सरप्राइज़ है, साथ रहिएगा, आपको भी दिखाते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। हाँ जी, तो बोर्डिंग मेरी हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। तो मैंने बताना नहीं है आपको, वो तो आप सरप्राइज़ है। तो ये ड्यूटी फ्री है, ड्यूटी फ्री से भी जो लेना था वो मैंने ले लिया, क्योंकि टिकट मेरी विदाउट लैगेज थी तो मैंने ड्यूटी फ्री से लेना मुनासिब समझा। मैंने कहा ड्यूटी वालों को अबू धाबी का एयरपोर्ट भी दिखाते हैं। ये देखें जी, मेरा गेट नंबर है 59 और मैं अभी हूँ गेट नंबर 34 पे। 59 पे मुझे जाना है, तो ये अभी आया 34। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इट्स ओके। और ये इतिहाद एयरलाइन जो है ना, इतिहाद एयरलाइन वालों ने स्पेशल अपना अलग ही ना अपना टर्मिनल बनाया हुआ है, टर्मिनल 3। तो ये इतिहाद एयरलाइन का जहाज़ लगा हुआ है, मेरी भी इतिहाद एयरलाइन ही है। मेरी जहाज़ में तो मैं बैठ गया हूँ, अब आप लोगों ने बताना कि किधर जा रहा हूँ। जी अभी भी नहीं पता चला यार, पाकिस्तान आ चुका हूँ पाकिस्तान, और मुझे कौन लेने आया देखते हैं। सबको सरप्राइज है, मेरे घर वालों को भी। ले जी ये आए हैं मुझे लेने, 10-15 मिनट इन्होंने मुझे जलील किया है, लेकिन ये है कि बचत हो गई है। तो अभी हम जा रहे हैं घर वापस, एयरपोर्ट से निकल चुके हैं, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो आज देखें पूरा चिकना लग रहा है। चले जी, मिलते हैं आपसे बाद में। लेकर हाय मेरी गाड़ी, आओ दिखती है। कितने बजे पहुंचा है? आधा घंटा हो गया जी। ये है भाई की गाड़ी, तो खुद ड्राइव करने लगा हूँ, तो ये नहीं दिखाना ना, बंद कर दो।